ये जंगल कटवा के आता हूँ, मीन्स सो वेलकम गाइस, दिस इज माय न्यू ब्लॉग। और मैंने जैसा आपको बोला था कि नया ब्लॉग आने वाला है गांव के सीरीज के ऊपर, इसके लिए मैं ब्लॉग नहीं अपलोड कर रहा था। और मेरा पिछला ब्लॉग क्या मालूम कितना दिन पहले, 10-15 दिन 20 दिन हो गया रहेगा, उसके पहले मैंने अपलोड किया था। और कैसा जंगली बना पड़ा हुआ वो देखो थोड़ा, क्यों? क्योंकि मैं सोचा था डायरेक्ट गाँव का ब्लॉग सीरीज चालू करूँगा, और मैं ये सीरीज पार्ट में बनाने वाला हूँ, क्योंकि आपको हर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। अगर मैं ये सीरीज पार्ट में बनाया तो आपको कैसे प्रॉपर एक एक चीज़ दिखा सकता हूँ। जैसे अभी मैं ये बना रहा हूँ कि तैयारी के ऊपर, जो मैं तैयारी कर रहा हूँ। और अभी मेरा प्लान है फिलहाल कि मैं जाता हूँ पहले, सबसे पहले ये जंगल कटवा के आता हूँ, मीन्स थोड़ा शेप वगैरह मैं करके आता हूँ जो भी है, उसके बाद मैं आपको आके बताता हूँ। और मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है, मीन्स मैंने नहीं, मेरा भाई ने जो शॉपिंग किया है। और एक हाँ बात, मेरा भाई नहीं आ रहा है, मीन्स उसको कुछ तो जॉब का इशू है, इसकी वजह से वो नहीं आ रहा है। हम लोग जा रहे हैं, मैं मम्मी पापा हम लोग 3 जन जा रहे हैं, और वो अकेला इधर ही रहने वाला है। और मैं आपको जो अपडेट है मैं आपको बताता हूँ, जो शॉपिंग किया है वो दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं जाता हूँ अभी बाल कटवा के आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। कालो किस मारे ली माई बांधे कोरी बाना, इमलाए हृदय रे ली माई बीताऊं ना जीवन। कालो किस मारे ली माई बांधे कोरी बाना, इमलाए हृदय रे ली माई बीताऊं ना जीवन। ऐसे कि अभी मेरा बाल कटिंग फुल प्रॉपर हो चुका है, और अब देख सकते हो आप फुल अंगार वाला दिख रहा है मेरे को। अभी शायद 1.5 महीने बाद आऊंगा वापस बाल कटाने, वापस नौशाद के पास। एक इधर एक छोटा, एक दो और तीन, इतना बड़ा। सो मैं आपको अभी घर पे जाके बताता हूँ आगे का सीन क्या है, और जो मेरा पैकिंग वगैरह जो होने वाला है सब मैं घर पे बताता हूँ आपको, ठीक है? सो बने रहना वीडियो पे। सो हिलते हैं यहाँ से और चल नौशाद भाई मिलते हैं, चल बाय बाय। सो वेलकम बैक। और ये नेक्स्ट डे, कल मैं आया और बहुत खतरनाक वाला थक गया था, सो गया। और रात को मेरे को एडिटिंग कर रहा था, मेरा भाई का एक व्लॉग अपलोड करना था, जो व्लॉग अभी आज अपलोड किया है, मीन्स नेक्स्ट डे। और कट कर रखा है, देखो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है। और जो है मतलब अभी पैकिंग चल रहा है, ये है टाइम हो रहा है कुछ अभी 5:30, और हम लोग ने पैकिंग चालू किया है, मीन्स कल का ट्रेन है। और जो भी है मैं आपको बताता हूँ, रुको मैं आपको पैकिंग दिखाता हूँ, ठीक है?
सो गाइस मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ कि ये ब्लॉग का सीरीज कैसा आने वाला है। मैंने ऐसा प्लान किया है कि एक एक ब्लॉग, मतलब दो दिन के बाद एक ब्लॉग अपलोड करूंगा, तीन दिन में एक ब्लॉग अपलोड करूंगा, और मैं जो जो हो रहा है ना आपको सब प्रॉपर टाइप दिखाने वाला हूँ। डेली ब्लॉग तो कर नहीं सकता हूँ, वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा हर दो दिन में एक ब्लॉग अपलोड करने को। और ये सीरीज टाइप बनने वाला है। सबसे पहला पार्ट मैंने सोचा बना रहा हूँ अभी कि पैकिंग के ऊपर, पैकिंग मीन्स जो जो मैं कर रहा हूँ एक दिन पहला। उसके बाद मैं अभी बनाने वाला हूँ ट्रेन का भी शायद दो ब्लॉग आएगा, वो भी सीरीज टाइप में आएगा। उसके बाद आएगा वहाँ पे जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो, मतलब आपको तो पता ही होगा शादी है वहाँ पर। मैंने जैसे पिछले ब्लॉग में शायद उसमें मैंने बताया था कि शादी है, दीदी का शादी है। सो उधर जाता हूँ अभी, देखता हूँ उधर का क्या क्या तैयारी चल रहा है। उन लोग ने तो बोला है कि कुछ तैयारी किया नहीं है, जब तक मैं आऊँगा नहीं तब तक वो लोग कुछ तैयारी करने नहीं वाले। अच्छा चल झूठा। और फुल, मतलब फुल एंजॉय होने वाला है, फुल मजा आने वाला है। सो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या सीन है। और अभी मैं आपको फिलहाल तो मैं आपको पैकिंग दिखा तो हम लोग का क्या क्या चल रहा है। एक बैग मैंने, हम लोग ने पहले पैक किया था पर उसमें सामान जो एडजस्ट नहीं हो रहा है। और फिर एक और बैग है हम लोग के पास, तीन बैग है हम लोग के पास। जो बड़ा वाला बैग है उसमें अभी सामान लोडिंग चल ही रहा है, देखो उसमें नहीं हो रहा था। छोटे वाले में, जो छोटा वाला है उसमें नहीं हो रहा था। सो अभी हम लोग तीसरा वाले में कर रहे हैं जिसमें बड़ा है, और एक दो लेके जाएंगे हम लोग, एक ये और एक और एक रक्षक बैग है। मीन्स हम लोग का शायद तीन चार बैग होगा और तीन ही जन जाने वाले। सो हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। सो मैं आपको अभी बताता हूँ कि पैकिंग क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या खाने पीने को लाया हम लोग ने। ये ना गाइस यहाँ तक भरा पड़ा था पूरा। सो हम लोग ने यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कर दिया, ये पूरा खाली था और ये पूरा अभी भर गया। और अभी इतना सामान बचा ही है अभी, ये सब मेरे कपड़े थे। दिखा तो आपको जो जो कपड़े वहाँ पर व्लॉग में तो दिख ही जाएगा जहाँ तक मैंने प्लान किया। और ये एक बैग है ना गाइस, बहुत बड़ा है, दिख रहा होगा आपको, बहुत बड़ा है। रुको एक सेकेंड, ये देखो इतना बड़ा बैग है वो, और उसमें सिर्फ मम्मी का ही कपड़ा है, पूरा कपड़ा, पूरा पूरा मम्मी का ही कपड़ा है उसमें। क्या मालूम क्या है, पर उधर साड़ी पहनना पड़ता है ना गांव में, ये सीन है। और मम्मी रोज का, मेरे को लग रहा है ना, नया साड़ी लेके जा रही, रोज नया पहने की, इतना साड़ी भर रही है। और जो होता है मैं आपको दिखाता हूँ। और एक एक बैग वहाँ पर रखा है साइड में, वो भी दिखाता हूँ आपको, उसमें भी कैसा पैकिंग किया हम लोग ने। पूरा एडजस्ट करना पड़ता है यार, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग मीन्स जेंट्स लोग, कोई कोई होते हैं जेंट्स कर लेते हैं। क्या बोला तूने? सब दोगलापन है। ओके। मम्मी ने पूरा कपड़ा भर दिया, लैपटॉप रह गया, लैपटॉप इधर ही है और कैमरा उधर ही है, दोनों रह गए। कैमरा लैपटॉप दोनों लेके जाने वाले। मेरे को लैपटॉप तो चाहिए वीडियो अपलोड वगैरह करने के लिए और एडिटिंग करने के लिए, और सेकंड कैमरा तो चाहिए, शादी के लिए लगेगा, फिर वापस पूरा सामान निकालना पड़ेगा। निकल अभी, क्या निकल, गाई रहता है ना वो, जब तक मैं लैपटॉप को पूरा स्विच ऑफ कर देता हूँ। भाई का ब्लॉग जो अपलोड किया था वो दिख रहा है इसमें अभी, वो पूरा बंद वगैरह करके अभी इसको स्विच ऑफ करके चार्जर वगैरह सब इसमें रख देते हैं, ठीक है। इतना पूरा भर दे दिया मम्मी ने, वापस पूरा निकलना पड़ा। लैपटॉप रह गया था मेन, और कैमरा रह गया था, कैमरे का चार्जर उसमें डाल दिया, कैमरे का चार्जर है वो, लैपटॉप का चार्जर है वो, तो ऊपर भी रख सकते पर मेन लैपटॉप है, इसलिए रख दिया मैं लैपटॉप। मैं बीच में रखना रे, हाँ उसके ऊपर साड़ी रख दे, कैमरा भी रख दे, ले किधर साइड में भी एडजस्ट कर किधर, तो क्योंकि उसमें रहेगा तो वैसा टेंशन नहीं रहेगा। रक्षक बैग है पर मेरे को कैमरे का टेंशन लगता है, वहाँ रिस्क नहीं लेने का। उसके ऊपर साड़ी वगैरह रहेगा ना वैसा दबेगा नहीं मेन चीज़ों, सॉफ्ट रहता है ना साड़ी वगैरह। मैं और बताता हूँ आपको आगे का। ये बैग पैक हो चुका है पूरा, खतरनाक ऊपर तक भर गया है। ये वाला अभी जो उधर रखा था मैंने साइड में, वो लेके आया और वो पूरा खाली है। ये वाला, इस बैग का जितना सामान है पूरा उसमें शिफ्ट करना है अभी। ये बैग तो पूरा फुल आउट ऑफ हो गया, इसमें पूरा मम्मी का कपड़ा भरा है, मेरा लैपटॉप और एक कैमरा बस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो बैग में हम लोग कैसे कैसे सामान एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक बैग भर गया। तो आगे का अपडेट ये है कि दो बैग पैक हो चुका है, और अचानक से मम्मी को पापा ने फ़ोन किया कि बोले स्टेशन में आ जाओ, स्टेशन मीन्स मार्केट, और लोग को सामान लेना था कुछ वहाँ से, और क्या मालूम गांव के लिए कुछ लेना है, आपको तो पता ही होगा गांव जाना है तो ये सब सामान वगैरह कुछ लेना ही पड़ता है। सो अभी वो लोग गए मार्केट, और अभी मैं और मेरा भाई दोनों घर पर है, और दोनों अभी बच्चा का पैकिंग करते, जो भी बचा हुआ है मीन्स अभी जो जो खाने पीने का सामान ले, आपको दिखा तो मैं खाने पीने का सामान कितना लेके आया मेरे भाई ने, मैं नहीं गया था, मेरा भाई गया था लेके आने, उसका हम लोग को कुछ समझ रहे नहीं कि किसमें लेके जाए। देखो गाइस रक्षक बैग फुल खतरनाक दिख रहा है, फुल ये वाला अपना कंधे पे रहेगा रक्षक बैग। और मैं आपको बताता हूँ
रक्षक बैग तो अपने कंधे पे रहेगा, ठीक है, और एक हाथ में रहेगा मेरा, हाथ में ये वाला बैग रहेगा और एक बैग वो रहेगा वहां पर, मतलब ऐसा तीन या चार बैग कुछ होगा हम लोग के पास। और हम लोग है तीन जन, तीन में इनसे मम्मी है, मम्मी तो कुछ उठा नहीं पाएगी, मैं और पापा दो जन है हम लोग, ठीक है। तो दो जन को सब मैनेज करा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैवलिंग करते तो करना ही पड़ता है। तो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग ने खाने पीने का क्या क्या सामान लाया, ठीक है। सो गाइस जैसा मैंने आपको बोला कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मेरा भाई ने क्या क्या खाने को लेके आया है। खाने को मीन्स ट्रेन में सफर में जो जो खाने को लगता है, आपको पता है हम लोग का ट्रेन का टाइमिंग कितना है, तीन दिन जाएगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। उसमें कुछ टाइमिंग भी लिखा है 34 आवर्स या 36, मैं आपको बताऊंगा वो भी, और जो मेरा ट्रेन का ट्रैवल वाला आने वाला है ना ब्लॉग उसमें बताऊंगा। सो इसके लिए ना दो दो घंटे बाद एक एक स्टॉप पे रुकने वाला है ट्रेन, ऐसा सीन है। सो मेरा भाई बोला कि कुछ टेंशन ना को, इसके लिए तेरे को खाने पीने को ला के भर देता हूँ। तो आपको क्या लगता है हम लोग ने किस में सामान भरा रहेगा मेरा भाई ने, रुको दिखाता हूँ। सो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि मैं आपको बोला जैसे कि मेरा भाई ने जो जो खाने का चीज़ लाया वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता है कि खाने का चीज़ क्यों लेके आए, हम लोग का जो ट्रेन है ना वो दो दो घंटे में एक एक स्टॉप पे रुकने वाली है, और दो घंटा मतलब और तीन घंटा जाते हैं, तीन घंटा अरे कहना क्या चाहते हो, घंटा बोल रहा सॉरी तीन दिन जाते हैं हम लोग को गांव जाने के लिए। अरे आपको पता ही नहीं हम लोग का गांव किधर है, यूपी में जाने के लिए तीन दिन लगता है या दो रात या फिर दो दिन, नहीं हाँ ऐसी कुछ तो है, जाने दो छोड़ो उतना डीप में मत घुसो आप, मैं आपको बताता हूँ हम लोग का ट्रेन का कितना टाइमिंग है, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि क्या क्या मेरे भाई ने खाने को लेके आए। रुको, दाल चावल ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें खाने को लाया है उसने, देखो अबे टाकी का साइज देखो पूरा भर के उसमें, मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो आपको दिखाता हूँ पूरा खोल के दिखाता हूँ, और इसमें भी ये देखो पूरा भर के, ये भी टाकी का साइज देखो पूरा भर के सामान है। इतना रस्ते में हम लोग को खाना है, ऐसा लग रहा है बेचने जा रहा हूँ मैं ट्रेन में, बेचूंगा ना भाई मस्त पैसा कमा लूंगा, मेरा ट्रेन का खर्चा निकल जाएगा पूरा तीनों जन का। और मैं आपको बोल रहा था ना कि एक और एक बैग हम लोग ढूंढ रहे हैं कि किस में सामान लेके जाए, देखो आप ही देखो लग रहा है कोई, ये इतना बड़ा बैग मेरे को लग रहा है पूरा इसमें सामान उसमें आ जाएगा मेरे को ऐसा लग रहा है। ये देखो एक रक्षक बैग ये है, सेकंड बैग ये और थर्ड बैग ये पूरा, ये देखो पसारा हुआ पड़ा है यार, समझ सकते हो आप फीलिंग। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रॉपर खोल के क्या क्या है उसमें, जो आपका फेवरेट है कमेंट में बता देना इसमें से क्या क्या आपका फेवरेट है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है सब बिस्किट इसमें दिख ही जाएगा जिसका इसका फेवरेट होता है, सब नॉर्मल अच्छे अच्छे बिस्किट वगैरह सब लेके आए। मैं आपको दिखाता हूँ रुको प्रॉपर तरीके से, बिस्किट नाम नहीं पता पर फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग खाया होगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, आप लोगों ने पक्का खाया होगा ये वाला बिस्किट, बहुत बढ़िया लगता है। तो थोड़ा साइड होता हूँ मैं, हाँ एक काफी खत्म सर, दूसरा भाई इसमें तो कॉफी काम आ जाएगा मेरे को उधर पीने के लिए, कौन सा ब्रांड है क्या पता, मेरे को तो ब्रांड भी नहीं पता, सब मेरा भाई लाता है कॉफी, सोया स्नैक्स चाइना चटनी लेकिन अलग बोले, और अरे भाई वाह बेचते हुए तो बोल रहा सही में ट्रेन में छोटा पैकेट मिला ही नहीं लगता मेरे भाई को, अबे ये क्या है ये क्या, ये भी वाह अच्छा सब बेचना पड़ेगा भाई, मेरे को उठना पड़ेगा लग रहा है इधर से ऐसा, और क्या है ये भाई ओरियो चॉकलेट वाला कितना पीस है, एक दो तीन चार पाँच पाँच पीस है शायद, 25 वाला एक पैकेट होगा इसमें जाते मेरे को लग रहा है ओरियो, और क्या ये पता है आप लोग को दूध में डाल के पीते इससे कुल्फी भी बनता है, ये वो वाला है हाँ वही वाला है 5 पैकेट, ये भी पूरे दूध को गाँव में दूध का तो टेंशन नहीं है भाई बहुत सस्ता मिलता है, बर्बन बिस्किट ये भाई सॉरी बिस्किट 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 और एक बर्बन वाह ये तो रह गया वाह, ये देखा है आपने, ये अभी धंधे में भी तब तक तो बट गया पता है, ये ट्रेन में बहुत बहुत लेट आते हो लोग बेचने के लिए, कितने इसमें 1 2 3 2 2 4 6 8 पीस शायद 25 या 20 वाला बॉटल एक ही उसमें वाह, मतलब मैं कुछ खरीदूँ ना उसमें ट्रेन में से भाई, मैं क्या दिखाऊँ ब्लॉग में कुछ खरीदने लायक रहेगा, मेरे को इतना सामान दे दिया खरीदूंगा तो मेरा पैसा वेस्ट है, जो भी चीज़ कर दूंगा चाय लेना पड़ेगा बस, चाय मेरे को जाते लग रहा है बाकी कैसा दिख रहा है क्या करूँ।
सो गाइस ऑल सेट, अभी सब बाहर निकल दिया है। मेरा भाई मेरे को दिखा रहा ही नहीं था कि बोलता क्या क्या सामान लाया क्या क्या नहीं, बोलता तेरे लिए सामान ला के रखा है। मैं वही सोच रहा क्या लाया क्या लाया क्या लाया, पर वो खाली हाथ दिखा रहा है ऐसा टाकी की तरह, बोलता है देख टाकी उसमें लाए। मैं बोला टाकी में क्या लाया रहेगा, दाल चावल लाया क्या उसमें, पर मेरे को क्या मालूम कि इतना सब सामान ला के रखा है उसने। और मैं अभी देखता हूँ धीरे धीरे एक 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 चीज निकाल के खाऊंगा। और मैं अभी आपको ना बताता हूँ कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ। सबसे मेन तो इसके लिए मम्मी अभी देखी कौन सा बैग में रखना है, उसको शिफ्ट करने मतलब इधर से इधर रहेगा तो नहीं अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे नीचे रखे रहे उसको हम लोग साइड में करते वापस टाकी में डालते। फिर मम्मी आएगी तो मम्मी एक बैग निकालेगी जिसमें बैग में सब पैक करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से बैग में पैक करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ और जो जो होने वाला है, ठीक है। जब तक हम लोग इसको वापस टाकी में शिफ्ट कर देते, हम लोग ने निकाल के तो रख दिया पसारा। मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि अंदर से बोलते ना उत्सुकता ऐसी कुछ तो वर्ड है वो, कि क्या क्या लाया है मेरे भाई ने, तो मैं वही सोच रहा था निकालो निकालो निकालो। पर अभी निकाला और देखा क्या क्या लाया उसने, इतना सब सामान लाया, खाएगा फुल खाते पीते जाएगा मैं। और मेरे को तो नहीं लग रहा कुछ ट्रेन में खरीदना पड़ेगा मेरे को, जो मतलब उधर जो मिलेगा ना वो खरीदूंगा, बाकी कुछ नहीं खरीदूंगा क्योंकि पैसा पूरा वेस्ट होएगा अगर मैं खरीदूंगा तो। ठीक है, मैं और आपको आगे का बताता हूँ जब तक हम लोग पूरा वापस टाकी के अंदर शिफ्ट कर देते जो जो सामान था। सो मैं आगे का और आपको बताता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज नेक्स्ट डे। और कल क्या हो गया, मम्मी आई बहुत लेट, मतलब 11 बज गया था मम्मी को आते आते स्टेशन से। सो हम लोग ने कल कुछ भी पैकिंग नहीं किया, वैसे सब साइड में की और सब सो गए क्योंकि सबके सब थक गए थे। मतलब मम्मी भी दिन भर काम ही कर रही थी इसके लिए थक गई थी। सो हम लोग बोला नेक्स्ट डे करते, मतलब आज करते। सो आज हम लोग पैकिंग लेके बैठा है और हम लोग को समझ नहीं रहा था कि वो खाने पीने का सामान किस में डाले। सो मेरा प्लान था कि एक बैग ले लेते उसमें डाल लेते, एक एक्स्ट्रा बैग है। सो अभी बैग में सोच रहे एडजस्ट करने को, ये पूरा बैग खाने पीने से भरा है, पूरा ए टू जेड मतलब पूरा उससे ही भरा है। अभी देख रहे हैं किस में लेके जाना है खाना पीना, अगर देखते हैं तो दूसरा कोई थैली प्लान करते, ऐसा ऐसा सीन है। सो मैं आपको जो जो और आगे होता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस सीन ऐसे कि कुछ फाइनल ही नहीं हो रहा कि किस में रखना है किस में नहीं रखना है, क्योंकि हम लोग पास पहले से दो बैग है, बड़ा वाला बैग और एक मेरा पीछे कंधे पे रहेगा रक्षक बैग, तो तीन बैग वैसे ही हो गए। और एक दो मम्मी बोल रही कि और दो बैग लेने, दो नहीं तीन बैग हाथ में कैरी बैग करने के लिए कैरी करने के लिए। सो समझ रहा नहीं, और हम लोग जाने वाले तीन जन, मैं तो सोच रहा था बड़ा बैग को, अभी जो होता है मेरे को लग रहा है एंड टाइम पे फाइनल होगा। सो वो नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा कि हम लोग कितना बैग हाथ में लेके जा रहे हैं। और मतलब अभी और नया नया ब्लॉग आते ही रहेंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और जिन्होंने भी मेरा पूरा ब्लॉग देखा उनको दिल से शुक्रिया। बस ये ब्लॉग यही तक था, लेकिन आगे का जो पार्ट आने वाला है वो खतरनाक आने वाला है। मीन्स अभी इसके बाद में बनाने वाला हूँ हम लोग कैसे कैसे ट्रैवल कर रहे, अभी इधर से कैसे लोकमान्य तिलक टर्मिनल जाना है डायरेक्ट, हम लोग को वहाँ तक कैसे ट्रैवल करेंगे, उसके बाद ट्रेन में क्या क्या मस्ती कर रहा हूँ, मतलब अकेला ही हूँ लेकिन मैं मस्ती तो करते रहता हूँ हर जगह, और उसके बाद वहाँ से कौन कौन मुझे लेने आता है, जो जो है मतलब सब नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। उसके बाद और व्लॉग्स आते रहेंगे, ठीक है। मतलब अभी व्लॉग्स आने ही वाले, मतलब रुकने नहीं वाले व्लॉग, ठीक है। सो जिन्होंने भी मेरा व्लॉग पूरा देखा उनको दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक कैमरा लगता है वीडियो का, एक सैमसंग का, एक जियो का है, गूगल का।